हाथरस हादसे को आज एक सप्ताह हो गया जिस नारायण सरकार हरि के सत्संग में भगदड़ मची थी। 143 लोग मारे गए थे। उस बाबा सूरजपाल का रिपोर्ट में कहीं भी जिक्र तक नहीं है। दिन में तैयार हुई 300 पन्नों की रिपोर्ट में बाबा का जिक्र नहीं आना हैरान करने वाला है। सवाल है कि क्या साकार हरि को बचाने का खेल तो नहीं चल रहा है? हाथरस की जिस घटना ने पूरे देश को हिला दिया, उसकी एसआईटी रिपोर्ट सामने आई तो हर कोई हिल गया। एसआईटी की रिपोर्ट में ऐसा बहुत कुछ है जिसे आसानी से हजम करना मुश्किल है। एसआईटी की रिपोर्ट में नारायण साकार हरि का जिक्र तक नहीं है। सवाल है कि साकार हरि की चरण रज लेने के लिए भगदड़ मची तो उसका नाम रिपोर्ट में क्यों नहीं है? बाबा के कई भक्तों ने यह दावा किया था कि मंच से चरण रज लेने का ऐलान हुआ था, तो साकार हरि का नाम एसआईटी रिपोर्ट में क्यों नहीं? बाबा के कमांडो ने धक्का मुक्की की तो साकार हरि का नाम एसआईटी रिपोर्ट में क्यों नहीं? सी न्यूज ने ऐसे चश्मदीद की गवाही सुनवाई थी जिन्होंने माना था कि बाबा के चरण रज के कारण ही भगदड़ मची थी। जब वो बाबा जी की गाड़ी जा रही थी और प्रवचन के बाद में उन्होंने कहा था कि सब ठीक हो जाओगे, सबके कष्ट दूर हो जाएंगे, रज लेके जाना, तो उस रज के चक्कर में महिलाएं और जो भीड़ दौड़ी थी रज लेने के लिए उनके काफिले के पीछे, उनके कमांडो ने रोका उनको, उसी चक्कर में अफरा तफरी मची और जो गिरता चला गया वो दबता चला गया। बाबा ने बोला था कि मेरे चरणों की धूल लेके जाना, जैसे लेडीज उनकी धूल उठानी पैरों की, तो उस कारण नीचे को कुछ पब्लिक ऊपर से गिरी, कुछ नीचे से गिरी, तो इस कारण। हाथरस हादसे के लिए बनी एसआईटी ने 125 लोगों के बयान के आधार पर 300 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की। न्यायिक आयोग भी अपनी जांच कर रहा है और इस दौरान उसने कई बयान ऐसे लिए जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि भीड़ भोले बाबा के चरणों की रज पाने के लिए दौड़ी थी। फिलहाल एसआईटी रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है, जिसके बाद एक्शन शुरू हो गया है और 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन बाबा अभी फिलहाल इस जांच से दूर दिखाई पड़ रहा है। बाबा के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए, जेल जाना चाहिए बाबा जी को, तो यानी बाबा के ऊपर भी जांच होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। एसआईटी रिपोर्ट में भगदड़ के लिए सीधे सीधे आयोजकों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। रिपोर्ट में लिखा कि आयोजक ही अव्यवस्था फैलाने के दोषी हैं। आयोजकों ने भीड़ को बुलाया लेकिन उनके हिसाब से व्यवस्था नहीं की। आयोजकों ने पुलिस के साथ बदसलूकी की और पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोकने की कोशिश की। हादसा होने पर आयोजक मौके से भाग गए थे। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। आगे जांच में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की इस रिपोर्ट ने आयोजकों के साथ लोकल पुलिस और स्थानीय प्रशासन को भी हादसे के लिए जिम्मेदार माना है। एसआईटी के मुताबिक स्थानीय SDM, CO, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज भी लापरवाही के जिम्मेदार है। रिपोर्ट में हादसे के पीछे किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया गया है। एसआईटी की रिपोर्ट में साकार हरि का नाम नहीं होने से उसके वकील गदगद हैं। वकील AP सिंह हाथरस हादसे के पीछे बड़ी साजिश का दावा कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा है, एसआईटी टीम ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है, षड्यंत्र हुआ है। षड्यंत्र की दृष्टि से भी जब अब षड्यंत्र की दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित तौर पर वो लोग भी पकड़े जाएंगे। हाथरस हादसे को एक सप्ताह हो चुका है, अब एसआईटी रिपोर्ट आ गई है। बावजूद इसके न्याय की आस अधूरी ही दिख रही है, क्योंकि रिपोर्ट पर भरोसा करना पीड़ित परिवारों के लिए मुश्किल होगा। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।